मुशरिकों का काम नहीं कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वो अपने आप पर कुफ्र की गवाही दे रही हूं। इन लोगों के सब आमाल बेकार हैं और वो हमेशा दोजख में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और रोजे कयामत पर ईमान लाते और नमाज पढ़ते और जकात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यही लोग उम्मीद है कि हिदायत याफ्ता लोगों में से हों। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा को आबाद करना उस शख्स के आमाल जैसा ख्याल किया है जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखता है और अल्लाह की राह में जिहाद करता है? ये लोग अल्लाह के नजदीक बराबर नहीं है और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। जो लोग ईमान लाए और वतन छोड़ गए और अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करते रहे, अल्लाह के यहाँ उनके दराजात बहुत बड़े हैं और वही मुराद को पहुंचने वाले हैं।